जय हिंद दोस्तों, इट इज़ लाइव ग्रोइंग इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम जानते हैं आपका मौर्यवंश। मौर्यवंश में आपका 322 से लेकर के 398 तक आपका मौर्यवंश संस्थापक है, इसका चंद्रगुप्त मौर्य रहता है, शासन रहता है। उसके बाद आपका आता है 298 से लेकर के 277, ये निगेटिव में चलेगा। BCG में आता है चंद्रगुप्त पुत्र जो रहता है, बिंदुसार का शासनकाल रहता है इसमें। उसके बाद आपका आता है 272 से 73 से लेकर 322 तक आपका रहेगा सम्राट अशोक का शासनकाल रहता है, स्वर्णकाल इसको कहते हैं। कलिंग का युद्ध बार बार पूछा जाता है, 261 BC में आता है, 261 BC आपका कलिंग युद्ध होता है। उसका 185 में आपका मौर्य काल के अंतिम शासक बृहद्रथ उसके सेनापति पुष्यमित्र संघ द्वारा उसकी हत्या कर देते हैं यहाँ पर। उसके बाद आपका आता है 185 में पुष्यमित्र सुंदर द्वारा सुंगवंश की स्थापना की जाती है। 175 में बैट्रिया के यूनानियों द्वारा भारत पर आक्रमण करते हैं। 173 BC से लेकर 28 BC में अंतिम सुंग वंश आपका रहता है। फिर 28 में ये देखते हैं विक्रम संवत चलता है, 58 में और 120 में ये सुंग वंश आपका टोटल मौर्य वंश खत्म हो। गुप्त वंश नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।